मॉर्निंग एंड टू माई चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। आज मुझे लेट हो गया क्योंकि आज हमारा पानी जो है लेट आया। सुबह आ जाता था बेसिकली 4:30-5 बजे, लेकिन आज जो है बहुत लेट आया, तो काम भी लेट हो गए। और फिर मैं अभी नहाई हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी मंदिर। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो हैप्पी सावन टू ऑल। और सावन है तो ग्रीन ग्रीन मैंने पहना है, मुझे वैसे ग्रीन कलर पसंद भी है। और मैंने मेहंदी भी लगा ली अपने हाथों में, कल लगाई थी मैंने, कल संडे था तो मैंने दोनों हाथों में बस ऐसे बेसिक सिंपल ही लगाई है मैंने। और अभी मैं ये बैंगल्स जो वो पहनूंगी, ये अभी पहनने के लिए बाकी है। उससे पहले मैं घर में जो वो पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मंदिर लेके चलूँगी। तो मैं आपको ज़रूर आज दर्शन कराऊँगी हमारे भोलेनाथ के, तो आप भी चलिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है ना कुछ तैयारी कर ले रही हूँ। तो सुबह सुबह ना मेरे हस्बैंड जो है जो ये बेल के पत्ते होते हैं ना वो लेके आए थे, तो सावन में ये चढ़ाना शिवलिंग पे मतलब अच्छा माना जाता है, तो ये मैंने भी मंगाया था उनसे। फूल तो आसपास मिल जाते हैं बहुत सारे, लेकिन वो साथी में लेकर आ गए थे। और बेल के पत्ते जो हैं वो थोड़े हाइट पर हैं, तो फिर मैंने उन्हीं से मंगा लिए थे मॉर्निंग में ही। और कुछ मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी शिवलिंग पर, मैंने घर में भी रखा हुआ है, और कुछ मैं मंदिर में चढ़ाऊँगी। तो ये है मेरे घर में मैंने जो शिवलिंग रखी हुई है, तो पहले मैं इन्हें स्नान ये सब कराऊंगी और इनकी पूजा करूंगी। और यहाँ से आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे घर से। तो बस यहाँ पे मेरी जो पूजा है मेरे घर में वो हो गई है, और अब मैं चलूंगी मंदिर की ओर। मंदिर ना बेसिकली पास में ही है, तो मैं बाय वॉक चले जा रही हूँ। सैटरडे संडे होता तो मेरे हस्बैंड मेरी बच्ची भी आती, लेकिन अभी वो लोग नहीं है तो मैं अकेले ही आ गई हूँ। और चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। और मौसम जो है अच्छा था काफ़ी, धूप तो नहीं थी और बारिश भी नहीं थी, पर बारिश होगी, जो काले पूरे बादल जो है वो छाए हुए हैं, पर ऐसा मौसम ना अच्छा लगता है। मंदिर में थी काफ़ी भीड़, ये सारे चप्पल देख के आप समझ सकते हैं, पास का ही मंदिर है ये, पर इसमें पूरी भीड़ थी क्योंकि पहला सावन का सोमवार जो था। शिवलिंग के पास ना लाइन लगी हुई थी जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी, वहाँ पे एक एक करके पूजा करना है, ऐसे मतलब पूरा क्यू बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ देखिए अब बहुत भीड़ है, पर फिर भी मैं पूजा कर ली अपनी इसी भीड़ में जाके। मैंने पूजा जो है वो कर ली है, उसके बाद मैं आपको जो है दर्शन करा दे रही हूँ यहाँ पे। और पूरे जो शिव जी के ऊपर ना पूरे मतलब फल और ये फूल वगैरह पूरे ढके हुए थे, तो ये सारे जो यहाँ पे साइड करके रख दिए हैं, और फिर से देखिए ये फिर से मतलब ढक गए। और बहुत लेट हो गया था मुझे, तो मैं फटाफट से घर में आई और फिर मैंने किया ब्रेकफास्ट, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी। और यहाँ पे ना मैं पहले जो है चिप्स पापड़ फ्राई कर ले रही हूँ, लंच बनाना है मुझे, ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। तो कुकर में ना मैंने दाल और आलू जो है वो चढ़ा दिए हैं, और आज मैं ना बहुत जल्दी बनने वाला ये खाना बनाने वाली हूँ, बिहार का मतलब एक बहुत फेमस दाल चावल चोखा, बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो कुकर में मैंने मतलब दाल में ही आलू भी डाल दिया था, तो दोनों साथ ही साथ जो है वो बॉयल हो गए। और अब उसमें मैंने डाल दिया है चावल, और जो अब मैं ये जो आलू मैंने बॉईल किया इसे मैश करूंगी, और इसको जो है तेल में मतलब जो है उसको थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी। तो तेल में मैंने डाल दिया यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, और इसमें बस नमक डाल के इसे थोड़ा सा जो भून लेंगे, तो बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे अगर बहुत जल्दी में ना तो आप बना सकते हैं, ये हार्डली 15 मिनट में बन जाता है। अगर आपके पास दो कुकर है तो दाल और चावल बन गया तो बस ये बन जाएगा। तो वो चोखा जो है बन गया, मैंने उसे साइड में रख दिया है, और अब मैं बनाने लगी मतलब ये जो दाल है उसमें तड़का डाल रही हूँ। तो बस हींग जीरा का सिंपल सा तड़का। चोखा जो है बहुत तरीके से बनता है, मतलब आप उसमें टमाटर प्याज ये सब का भी पूरा तड़का लगा सकते हैं उसे भून के, पर मैंने सिंपल ही बनाया है, टाइम भी कम था, पर ये भी बहुत स्वादिष्ट था। तो बस ये मेरा खाना जो है बन गया है आज, ये बहुत जल्दी का खाना बना है, खाना बन गया जल्दी से, और मैंने जो बर्तन थे वो भी धो दिए हैं। बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।